अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नाजिया और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ मौलाना अब्दुल हबीब अतारी के बयान पर, जिसका टॉपिक है हज़रत उमर फारूक की खूबसूरत ज़िंदगी। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हजरत उमर फारूक वो अजीम सहाबी हैं कि दुनिया में आपका नाम मुबारक उमर है, आसमानों में आपके नाम को फारूक के नाम से पहचाना जाता है, आसमानी किताब तौरात शरीफ में आपका नाम हक बात कहने वाले है, इंजील शरीफ में आपका नाम नामे नामी क्या है काफी, और जन्नत में आपका नाम अकदस सिराज होगा। सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम के अजीम सहाबी मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, 40 का अदद इनकी वजह से पूरा हुआ और आपको मुराद रसूल भी कहा जाता है। आपका अदलो इंसाफ बेमिसाल था, इसलिए अदलुल अस्हाब कहलाते थे, सहाबा में सबसे बढ़कर अदल करने वाले। हजरत उमर 63 साल इस दुनिया में तशरीफ फरमा रहे और वो दौर मुसलमानों का सुनहरा दौर था। आपका अंदाज़े हुकूमत, आपका अदलो इंसाफ, आपका मुबारक अखलाक व किरदार, खौफे खुदा, तकवा व परहेजगारी, आजी और इंकसारी, रहम दिली, कयामत तक के लिए आने वाले मुसलमानों के लिए एक शानदार नमूना है। आपको पता है आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी सुप्रीम कोर्ट्स में, बल्कि यूरोप के अमरीका की अदालतों में भी उमर लॉ पढ़ाया जाता है। हजरत उमर ने इस दुनिया में बहुत सारे काम पहली बार किए, आपने गवर्नर की पूछ परछ का निजाम आपने किया, अदालतों का निजाम आपने सबसे पहले बनाया, और भी बहुत सारे काम ऐसे थे जो आपके दौरे खिलाफत में आगे बढ़े।